ये देखो मेकअप चल रहा है इनका, मेकअप नहीं है ये, सड़क पर मेकअप चल रहा है। रॉक गार्डन आए हैं, यूज बोलते हैं इसे, जब हर जगह लेट पहुंचो तो फिर कहीं तो कुछ करेंगे ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल रात को लेट ही हो गया था अटारी से निकलने में, थोड़ा खाने पीने में वहाँ पे, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई तो बस ट्रेवल करके वी रीच चंडीगढ़। रात को 1 बजे अराउंड हम लोग आए थे और फिर ये होटल ब्रॉडवे में रुके। अच्छा होटल है, अच्छा बना हुआ है और पैसे भी ठीक है, 2000 अराउंड का रूम है, प्लस में टैक्सेस हैं। और अब चलते हैं, इट इज़ इन सेक्टर 17, सेक्टर 17 की मार्केट एज फेमस, तो वहाँ रुके थे। अब चलते हैं, थोड़ा मार्केट घूमेंगे चंडीगढ़ में, देखते हैं सुखना लेक वगैरह, फिर देखते हैं। अभी सोच रहे हैं, अभी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, सोच रहे हैं कसौली निकले या नहीं निकले, लेट्स सी। हम कर रहे हैं बचपन की याद ताज़ा, गुड़िया के बाल, बुढ़िया के बाल, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, हम तो बुढ़िया के बोलते थे, हम तो गुड़िया के बोलते थे, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया नहीं, गुड़िया नहीं है, बुढ़िया। हाँ तो बुढ़िया ही तो बोल रही हूँ मैं, हम तो गुड़िया बोलते थे। अक्षांत, ये कलर जो है बहुत नुकसानदायक है, कैसा लग रहा ये कलर डालते है ना। दिस इज एंट्री ऑफ द रॉक गार्डन, दे हैव टिकट ऑफ 170 रुपीज फॉर एडल्ट्स, राइट, 170 नहीं, 30 रुपीज फॉर एडल्ट, टोटल 170, टोटल 170, 30 फॉर एडल्ट एंड 10 फॉर चाइल्ड, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने टोटल को पर पर्सन समझ लिया। गलियों से आ रहे थे, फिर हम जा रहे थे तो हमें लगा नॉर्मल है, फिर अंकित ने बताया यहाँ एक खुफिया दरवाजा है, सी वो गेंडा स्वामी के फ्यूज कंडक्टर, गेंडा स्वामी के फ्यूज कंडक्टर, मतलब एक बार में पहली लुक पर ही समझ आता कि यहाँ पे गेट है ये। हम सोच कसौली जाने में कंफ्यूज थे, जाया नहीं, लेकिन रॉक गार्डन में आके ऐसा लग रहा हम पहाड़ों में आ गए, पता नहीं कौन सी गुफाओं में जा रहे हैं। है भैया कहाँ जा रहे हो, कौन सी गुफा में जा रहे हो, भूल भुलैया, भूल भुलैया, अरे भाई साहब इधर भी कुछ है, भाभी भाभी बिजी है। अरे भाई सच में ऐसा ही लग रहा है ना कि पहाड़ों की कौन सी गलियों में जा रहे हैं, इन्हीं वादियों में घुस रहे हैं खोने के लिए। हाँ सही में, देखो ये नदी का पानी बह रहा है, हाँ ये नदी, झरने झरने से आ रहा है, आगे झरना वैसे, हाँ अच्छा लग रहा है ना, नाइस। ये ऊपर हट्स बनाई हुई है इन्होंने और क्या, कैक्टस भी है भाई साहब, और ये गलियाँ गलियाँ पता नहीं कौन सी खुफिया जगह में ये लेके जा रहे हैं। अभी पीछे एक खुफिया दरवाजा था, अब अंदर पता नहीं कौन सी खुफिया जगह में ये लेके जाने वाले हैं हमें, बट लग सही रहा है यार, मैं तो पहली बार चंडीगढ़ बहुत बार आई हूँ बट यहाँ पहली बार आई हूँ। अरे यार ये क्या क्या बना दिया है, इतने सारे लोग बिठा दिए हैं भाई साहब, अगर मैं रात को आने को बोल देना मुझे कोई यहाँ पे, मैं नहीं जाऊँगी जिंदा वापस, आत्मा सूख जाएगी मेरी तो। क्या बना दिया ये, मतलब और भाई साहब बनाए जा, मतलब हद, कितने सारा बनाया हुआ पूरे में, यही यही यही, इतने सारे पुतले, रात को बोल देना मैं तो गई, मैं तो ये सारे कमोड के आइटम सारे यहीं लगा दिए चोट। हाँ लेकिन यार मतलब देखो तो देख के इनको डर भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बोलना पड़े इनमें से अभी, नहीं लेकिन दिमाग सही चला है, लेकिन जितने रुपए टिकट है इनकी उस हिसाब से बहुत वर्थ है, 30 का इनका टिकट है और काफी बड़ा, और काफी इन्होंने मतलब मेंटेन भी किया हुआ, सफाई भी है, चंडीगढ़ के सारे कपल्स यही मिल जाएंगे आपको। सही है, शेषा की भी तो शूटिंग हुई थी ना। ये गाइस क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बच जाता है ना खराब, ये उसके सॉकेट हैं, ये उसको भी इन्होंने सारे वेस्टेज को एक तरह से यूज करके बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है।
ऐसे ये सारे मटके हैं। सेक्टर 17 चंडीगढ़ की मार्केट में, चंडीगढ़ वालों के हिसाब से सेक्टर 17 की मार्केट, द मेन फेमस मार्केट ऑफ हेयर। लेट्स हैव लंच ओवर हेयर। सागर रत्ना जा रहे हैं हम, आगे जा रहे थे सेक्टर 26, बट फिर हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने सोचा कि सेक्टर 17 ही चल लेते हैं, द फेमस थिंग ऑफ हेयर। और क्योंकि 26 वगैरह जाने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था और भूख भी लगी है, तो लेट्स हैव फूड। हाँ, आप पहले नेल खा लो। क्या खा खा क्या रहा है भाई तू, हैं क्या खा रहा है? ये खाने की चीज़ है? इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। वेटिंग हियर एट सागर रत्ना, पहले इतनी भूख लग रही थी, ऊपर से इन्होंने वेटिंग कर दी। वी हैव 38 नंबर और अभी चल रहा है 28। कह दो रहा है 25, 20 मिनट्स लगेंगी, बट लेट्स सी क्या होगा। यहाँ पे मेरा फ्राइडे है, मैं खट्टा नहीं खाती फ्राइडे को, संतोष माधव का व्रत रखती थी बिकॉज। और ये एकदम ऐश मार रहे हैं सब, मसाला डोसे चल रहे हैं इनके, उत्तपम और ये, हाँ, और रसम चल रही है, मेरी चाय चल रही है, और रोटी और नॉर्मल सब्जी। कैसा है, सही है? यहाँ का ज़्यादा अच्छा है सरवना का? ऐसे नहीं कहता, सारी चीज़ें अच्छी रखती है ना भैया। सही बता रहे थे, सरवना का ज़्यादा ऑथेंटिक है। डिपेंड करता है आपकी भूख के ऊपर, आपको भूख ज़्यादा लग रही है वो तो फिर तो हर जगह का अच्छा, फिर तो आप थैले से भी खा लो वो भी अच्छा लगेगा। कन्फ्यूजन में थे कि कसौली जाएं या दिल्ली जाएं, फाइनली इस लड़के ने बोला, इस लड़के ने जब मैं हमने इससे पूछा कि घर जाना है पहाड़ों में, तो इस लड़के ने बोला घर ही चल लो, तो फिर हम घर ही चल रहे हैं। तो लेट्स गो टू दिल्ली, ट्रिप ओवर, दिल्ली जाओ काम करो, बट देखते हैं वीकेंड में कुछ हो पाया तो ठीक है। कसौली का ओके, हवेली पे एक ब्रेक लिया है, टी ब्रेक अंदर के। मैं बाथरूम की फोर्ट वीडियो बना नहीं भाई, लेकिन भाई साहब यहाँ के बाथरूम जैसे ना, जैसे होटल रूम हो, एकदम मस्त बने हुए हैं, मस्त डेकोर, बहुत सारी फोटोग्राफी आप कर सकते हो वहाँ पे। और बच्चों के लिए पीछे मेरे काफ़ी सारे इन्होंने झूले टाइप लगाए हुए हैं, बच्चे अपना आराम से वहाँ पे मस्ती कर लेते हैं और हम अपनी टी पार्टी कर लेते हैं। वी बैक टू दिल्ली, घर आ गए हैं। कितने बजे आए थे हमने? 12 बजे। अब चल रही है पिज्ज़ा पार्टी, बर्गर पार्टी, और अक्षांश ने स्पेशल डिमांड में मंगाया चोकोलावा की, मेरे को धीरे धीरे बोल के कि चाची चोकोलावा भी कर लेना और किसी को बताना मैम, है ना? हाँ भी कर रहा है। चलो हाँ ना, चोकोलावा में बर्गर सही है, बर्गर क्लब से हमने मंगाया बर्गर, इस बार सारी नई चीज़ें मंगाई हैं, बर्गर क्लब से बर्गर मंगाया, अच्छा है। कौन सा मंगाया था वैसे हमने? 12 लेयर्स वाला मंगाया था। हाँ बिल तो होगा। और स्पाइसी किससे मंगाया हमने? स्पाइसेस से, क्या है ये सिजलिंग स्पाइसेस से पिज्ज़ा मंगाया, वो और खा के देखते हैं। नहीं तो हमेशा डोमिनोज से या बर्गर किंग से खाते थे बर्गर। दिस इज थिन क्रस्ट। हाँ, और ये थिन क्रस्ट मंगाया, खाते हैं हम एंड फिर मिलेंगे। ट्रिप ओवर हो गया है बाहर का, अब देखते हैं अब कल कहाँ जाते हैं, परसों कहाँ जाते हैं। लेट्स मेक अ प्लान। गुड नाइट, बाय, टाटा, टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते।
हमारे बाथरूम में छिपकली घुस गई है, हमारे बाथरूम में छिपकली है और ये बेचारे दो योद्धा खड़े हैं छिपकली निकालने के लिए। हाँ तैयार, ये बैकअप है और ये मेन है। यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस। चलो चलो चलो, ये बाप मेरे ऊपर नहीं है, मुझसे छिपकली अंदर है, ये भगाने की फिराक में है उसको। दूर तो भागो एक मिनट के अंदर। अरे जाओ यार जल्दी जाओ। हाँ इसे ऐसा करते हैं, रुको करेक्ट है। अब इनका एक नया आइडिया, इसमें से वो जो लेते हैं एक सॉल्यूशन देते हैं, वही जो उठाने होता है। हाँ कूड़ा भरने वाला लेके क्या कहते हैं, दबा देते हैं। और क्या बोल रही थी मैं, कहीं दबा देते हैं, दो दो ना रख देंगे ना झाड़ू दम नहीं खत्म हो गया नहीं तो, अरे दोनों दांत करेंगे ना। हाँ तो मैं ऊपर रख दो यार, नहीं नहीं और क्वार्ट ये जो है क्वार्ट के अंदर ही डाल देंगे। इतनी इतनी डिस्कशन ना किसी और चीज के लिए नहीं होता होगा, यहाँ छिपकली भगाने के लिए इतना सारा डिस्कशन हो रहा है। छिपकली वहाँ बैठी हुई है, चलो देखिए पॉट के नीचे वहाँ बैठी हुई है छिपकली पॉट के नीचे। रिएक्शन इतना जबरदस्त है, मर गई क्या ये, क्या निकला ये दूसरा, तेरी दीवार पे, दीवार पे क्या करा भगा रहे पता नहीं क्या। अब दिलाओ कहां पर है, आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद वाइपर पे है, कहां है वाइपर पे आ गया, वाइपर पे। अरे बाल्टी बाहर निकालो पहले, वाइपर का भाई इतना लकी वाइपर पे है, मत करो भागेगी वो इधर की तरफ, क्यों भाग रही उधर का, भाई हमारे घर में युद्ध छिड़ा हुआ है। मैं कह रहा जोर से पहले, जोर से पहले नहीं, जोर से नहीं चलती हुई है मुझसे, पूरी ताकत से मारने की उस दिन मार दिया था। चुप हो जाओ दोनों, अरे पानी डाल रहे हैं हम, निकली आई आई वही वही सामने में, ये पी लो पेलो पेलो बोले पेलो पेलो, अरे झाड़ू दूर रखो यार, आ गई इस पे, आ गई दबा लो, दबा लगी जल्दी दबा, वे वॉल पे चढ़ गई, बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, बंद कर दो गेट, गेट बंद करो ना फिर, गेट खुलेगा भी नहीं फिर, दिक्कत ये है बाहर आ गए तो सब भाग जाएंगे यहाँ से, मैं पहले पलंग पे चढ़ जाती हूँ, तुम लोग करते रहना, बाहर आई तो मैं कम से कम सेफ तो रहूंगी। पहले यहाँ पे मेरे पहले ही तो नहीं, पेल लगी पेल डालता हूँ फिर भाई, तुम ये छुपा रहे हो उसे और वो छुप रही है दीवार के पीछे जाके, और जमीन पे आ गई वो, हाँ जमीन पे आ गई सामने, पेल दो। अरे यार नहीं हमसे नहीं होगा यार, प्लीज वो एक्चुअली पानी डाल डाल के वो पानी डालो ना, इसलिए गर्म पानी डालो तो स्लो हो गई है। अरे यार उसमें उसको उसके अंदर भरो और दवा के बाहर ले जाओ, इतना करना है, इतना करना है तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, एग्जांपल सेट करो, तुम मेरे शेर और शेर तुम कर सकते हो, ऐसे करना भैया, इसके ऊपर चदरा डालना ये एक और आइडिया है, कौन नहीं तो फिर क्या करेंगे उसके ऊपर लपेट लेंगे वो चदरा पूरा उसके ऊपर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मम्मी अब भैया कर दो, साले भैया मुझसे करवाते हो तुम लोग, उस दिन ही मुझसे करवाया था, यहाँ भी मुझसे करवा रहे हो, तो मान चलो कर दोगे, नहीं करो घर पे भी तो गलत है, नोएडा में कितनी मार रही है, करो जा तो मस्त से चल जाओ, क्या जाओ जाओ जिया पापा, चलो जाओ जिया पापा, ऐसे बोलो पा 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 मेरी छिपकली बाथरूम के अंदर, मेरी फोटो निकालेगी, ये मेरा सबसे बड़ा टास्क है इसको निकालना बाहर। आशी यू कैन डू इट, दर्पो
देखो आई कैन डू इट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ डू आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मेरे को डर नहीं आ रहा। नहीं एक्चुअली आपको डर ही लग रहा है, गिल्ट हो रही है, मार्शल मार देता हूँ मैं, गिल्ट बोल दे मेरे बाप पाप मेरे ऊपर बोल दे। नहीं नहीं मार नहीं उसको, उसके अंदर भर दो। नहीं मैं मार देता हूँ। नहीं उसको बाहर, उसके भर के बाहर फेंक दो। नहीं भर के बाहर फेंक दो उसको। नहीं मैं नहीं कर सकता। अरे एक काम करो, एक बाल्टी वाल्टी रख दो उसके ऊपर, फिर नालो आराम से। क्या कर सकते हैं? एक ही बाल्टी है ना आपके पास? हफ्ते भर, हफ्ते भर बैठा रहा, हफ्ते भर मर जाएगी, हफ्ते भर तो मर जाएगी, मर जाए हफ्ते रस देने पर मार रहे तो नहीं ना, गलत बात हुई है भाई। एक और है बाल्टी। अरे भैया सुनो, नहीं भी नीचे चतरा कहता आएगा, ऐसा कर सकते बाल्टी को भटक देते उसको सरकाने की हिम्मत है तो वो सरका लो, तो फिर ये टायर वाला टायर उगड़वाने की बातें हो रही है। अरे फिर आ जाएगी वो, देखो वो आपको ही देख रही है, सुन रहे हो, वो आपको ही देख रही है। नहीं चलेगी ऐसे, नहीं चलेगी, हमने तो देखा ही नहीं आपने, कर दो भगवान देख रहा है।